नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब जनाब, मैं हूं मनोज। आप सभी का एक बार फिर से मित्रों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो मित्रों, अगला जो वंश है नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज में वो है गहड़वाल डायनेस्टी, गहड़वाल वंश, गहड़वाल डायनेस्टी। गहड़वाल डायनेस्टी के बारे में मित्रों बात कर रहे हैं, जो कि अगला वंश है नॉर्थ इंडिया में। सबसे पहली बात तो ये कि ये किस समय का वंश है, तो ये मित्रों 11th से 12th सेंचुरी के बीच का वंश है। और साथ ही साथ गहड़वाल डायनेस्टी की बात करें अब तो इसका मित्रों संस्थापक था चंद्रदेव। संस्थापक मित्रों कौन था, जिसका नाम था चंद्रदेव। चंद्रदेव मित्रों इस डायनेस्टी का संस्थापक था। अब चंद्रदेव के बारे में डिस्कस करें मित्रों, तो चंद्रदेव जो था इसने अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया कन्नौज को, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और इसने मित्रों उपाधि धारण की महाराजा धीराज की उपाधि धारण की मित्रों। वही मित्रों इसका अन्य नाम काशी नरेश भी कहा जाता था, अन्य नाम मित्रों इसका काशी नरेश भी जाना जाता है। अब भाई क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मित्रों अपने साम्राज्य का विस्तार काशी तक किया, काशी तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के कारण इसे काशी नरेश कहा जाता है मित्रों। वही मित्रों तोमर डायनेस्टी जो थी इनके ही समकालीन थी, यानी कि गहड़वालों के समकालीन तोमर डायनेस्टी थी, और तोमर डायनेस्टी जो थी वो इनके अधीन थी, यानी कि तोमर डायनेस्टी इनके सामंत हुआ करते थे, तोमर शासक, तोमर डायनेस्टी के शासक, तो इनके अधीन थी। तो तोमर जो डायनेस्टी थी, तोमर वंश समकालीन था मित्रों। तो ये थी बात मित्रों चंद्रदेव के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके बेटे के बारे में, मदनपाल के बारे में। मदनपाल जो कि उत्तराधिकारी बनता है, तो अगला उत्तराधिकारी मित्रों बनता है इसका बेटा, जिसका नाम है मदनपाल। इस मदनपाल की खासियत बस ये है कि इसके समय में तुर्किस आक्रमण होता है, यानी कि तुर्कों का जो आक्रमण होता है तुर्क इसे मदनपाल को बंदी बना लेते हैं और अपने यहां ले गए। अब भाई इसके बाद इसका मदनपाल का बेटा, जिसका नाम है गोविंद चंद्र, जिसका नाम है मित्रों गोविंद चंद्र, जो कि शासक बनता है गोविंद चंद्र। इसके बाद इसका शासक बनता है गोविंद चंद्र, इस डायनेस्टी का अगला शासक बनता है, और मदनपाल का बेटा है भाई। और गोविंद चंद्र को इस डायनेस्टी का सबसे महानतम शासक माना जाता है, यानी कि इस डायनेस्टी का, गहड़वाल डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। कौन? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के बारे में सबसे इंपोर्टेंट बात यह कि इसने तुर्कों पर आक्रमण किया, इसने मित्रों तुर्कों पर आक्रमण किया और अपने पिता को वहां से मुक्त करा लिया। तो इसने मित्रों तुर्कों पर आक्रमण कर अपने पिता को मुक्त कराया। वही मित्रों बात करें कि इस गोविंद चंद्र के द्वारा उपाधि धारण की गई थी, गोविंद चंद्र के द्वारा ही उपाधि धारण की गई थी, जिसका नाम है विद्या विचार वाचस्पति। विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की थी इस गोविंद चंद्र ने। तो ये थी बात मित्रों गोविंद चंद्र के बारे में। अब हम इस डायनेस्टी के अंतिम शासक के बारे में बात करते हैं। इस डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था मित्रों वो था आपका जयचंद्र। काफी इंपोर्टेंट है भाई, क्योंकि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो काफी कुछ सुना ही होना चाहिए। तो इस डायनेस्टी का मित्रों लास्ट रूलर या कहें ग्रेट रूलर यानी कि महान शासक था, जिसका नाम था जयचंद्र। जयचंद्र मित्रों अगर बात करें, इसने शासन किया 1100
1170 से लेकर 1194 तक शासन किया। जयचंद के बारे में सबसे पहली बात तो यह कि इसकी बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता, इसकी बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। अब संयोगिता से मित्रों जो चौहान वंश का शासक जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, तो पृथ्वीराज चौहान इस संयोगिता से प्रेम करता था और जिसके कारण आप देख पाते हैं कि संयोगिता के लिए जयचंद के द्वारा एक स्वयंवर का आयोजन किया गया था। तो इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान चुपके से आकर संयोगिता को अगवा करके ले जाता है। अब इस बात से जो है जयचंद्र काफी दुखी होता है और जयचंद्र जो है एक शत्रुता मोल ले लेता है, शत्रुता पैदा हो जाती है पृथ्वीराज चौहान या कहे चौहान डायनेस्टी और गैरवा डायनेस्टी के बीच में। अब जैसे ही शत्रुता पैदा हुई तो जयचंद्र जो है बस केवल एक मौका देखना चाहता था, मौका लेना चाहता था जब वो पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाए। तो उसे मौका मिला मोहम्मद गौरी पर, यानी कि मोहम्मद गौरी चूंकि 1191 में बैटल ऑफ तराइन, पहला बैटल ऑफ तराइन होता है, उसमें हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से। तो जयचंद्र को लगा कि मुझे मोहम्मद गौरी के पास जाना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी चाहता है किसको, पृथ्वीराज चौहान को हराना, और मैं भी चाहता हूं पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना। तो यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, यानी कि शत्रु का शत्रु हो गया दुश्मन। तो इस प्रकार से जयचंद्र जो है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मदद करता है, किसकी, मोहम्मद गौरी की, और किसमें, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है मित्रों दूसरा बैटल, द्वितीय बैटल होता है तराइन का दूसरा युद्ध, यानी कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। इसमें मित्रों मोहम्मद गौरी की मदद करता है जयचंद्र, जयचंद्र ने इसकी मदद की, जयचंद्र ने मदद की, जिसके कारण जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, यानी कि मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अब भाई जयचंद्र सोच रहा था कितना अच्छा किया मैंने बदला ले लिया, लेकिन उसने ये नहीं पता इस जयचंद्र ने किसको एक तरीके से शहद चिपका दिया था, शहद खिला दिया था। अब उसे जो मुंह मीठा हो गया था, तो अब इसने मोहम्मद गौरी ने सोचा कि अब क्यों ना मैं जयचंद्र को भी पराजित कर दूं। तो 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है, बैटल ऑफ चंदावर, जो कि किसके बीच में होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में, जिसमें जयचंद्र जो है पराजित हो जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इस प्रकार से मित्रों क्योंकि जयचंद्र तो समझ रहा था कि मैंने इसकी मदद की, अब ये कुछ नहीं करेगा, तो चूंकि वही है कि ये विदेशी था, ये तो आया ही था यहां पर लूटपाट करने के लिए, तो मोहम्मद गौरी ने जो है इस बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद्र को पराजित कर दिया। इस प्रकार से मित्रों गैरवा डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस किया।